NTAUGC NET यानी इमेज नेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमेज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट ICT में बात करने वाले हैं वेब 1.0 2.0 3.0, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है और अभी हमारा जो 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें भी इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा दोस्तों और आज हम के साथ साथ लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इमेज नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कंप्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है तो आप हमारी ऐप इमेज नेट ये येलो कलर में जो आइकन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप इमेज नेट सर्च करना दोनों ऐप आ जाएगी और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर की और इससे रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो देख लेते हैं और फिर थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए दिसंबर 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है वो हमें बताना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये गूगल, क्रोम, याहू, बिंग, तो इसका आंसर बी है दोस्तों, क्रोम। क्रोम हमारा सर्च इंजन नहीं है, क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है दोस्तों। तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते थे और ये लेटेस्ट है दिसंबर 2019 का, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, WWW से क्या तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी थी, तो इसका आंसर है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है। उसके बाद में दिसंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले किस काम के लिए की गई थी, तो इसका आंसर है दोस्तों मिलिट्री उद्देश्य के लिए इसका यूज़ किया गया था, सैन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद में आप देख सकते हैं जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है। और कई दोस्त इसका आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर देते हैं लेकिन वो गलत आंसर है दोस्तों, आप ध्यान रखना इसका जो आंसर है WWW है, आप गलती मत कर देना इसके अंदर। अब दोस्तों वेब ब्राउज़र से रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, हम कब शुरू हुआ था इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों वेब ब्राउज़र की बात करेंगे। देखिए 1990 के अंदर द वर्ल्ड वाइड वेब वाज द फर्स्ट ब्राउज़र एवर क्रिएटेड बाय W3C डायरेक्टर टीम वर्नन ली। टीम वर्नन ली के द्वारा 1990 के अंदर पहला ब्राउज़र बनाया गया था और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, वाज द फर्स्ट ब्राउज़र एवर क्रिएटेड बाय W3C WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो था WWW ये हमारा प्रथम वेब ब्राउज़र था दोस्तों। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये नहीं था, आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, WWW जो है वो हमारा वेब ब्राउज़र है पहला। और दिस वाज द ओनली ब्राउज़र एंड द ओनली वे टू एक्सेस द वेब, उस टाइम केवल यही एक ऐसा ब्राउज़र था, ऐसा जरिया था जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद में दोस्तों 1992 के अंदर लिनक्स आया था, वाज ए टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र दैट कुड नॉट डिस्प्ले एनी ग्राफिक कंटेंट। उसके बाद 1992 में लिनक्स आया था जिसमें हम दोस्तों टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र था, इसमें हम ग्राफिक्स नहीं देख सकते थे। उसके बाद में दोस्तों 1993 के अंदर मोजिक आया था और ये पहला ऐसा ब्राउज़र था दोस्तों, इसके अंदर हम इमेजेस को देख सकते थे और टेक्स्ट को भी देख सकते थे, दोनों चीज़ों को हम देख सकते थे। 1994 के अंदर एक इस में इम्प्रूवमेंट किया गया दोस्तों, मोजिक जो वेब ब्राउज़र था इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया और नेटस्केप नेविगेटर इसको नाम दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1995 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला वेब ब्राउज़र बनाया था। उसके बाद में 1996 की हम बात करें तो ओपेरा ने शुरुआत की थी रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर और इन्होंने भी ब्राउज़र लेके आए, ये भी अपना ब्राउज़र लेके आए। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों 2003 की बात करें तो एप्पल जो था वो लेके आया, सफारी ब्राउज़र लेके आया। और उसके बाद में 2004 में बात करें तो मोजिला ने अपना खुद का
वेब ब्राउज़र लॉन्च किया, फायरफॉक्स लॉन्च किया। उसके बाद में 2007 की बात करें तो मोबाइल सफारी वाज इंट्रोड्यूस एज मोबाइल वेब ब्राउज़र। एप्पल ने अपना खुद का मोबाइल वर्जन लॉन्च किया मोबाइल सफारी के नाम से। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों 2008 के अंदर गूगल क्रोम, गूगल क्रोम देखिए आज जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्होंने कितना लेट जाके ये अपना ब्राउज़र लेके आए, गूगल क्रोम लेके आए 2008 के अंदर। और 2011 के अंदर ओपेरा मिनी आया था दोस्तों, और ओपेरा मिनी जो था वो बहुत ही फास्ट ग्रोविंग वेब ब्राउज़र बन गया था उस टाइम 2011 के अंदर। उसके बाद में 2015 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज आया था, और ये किसके कंपटीशन में था दोस्तों, ये गूगल के कंपटीशन के अंदर आया था। और इसमें हम कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे टॉप पॉपुलर वेब ब्राउज़र है उनकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे आते हैं कि चार ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन में से हमें बताना कि कौन सा वेब ब्राउज़र है या फिर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सथोन वेब ब्राउज़र, पुफिन वेब ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, डॉल्फिन ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, इसको तो भारत में बंद कर दिया गया है, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप। ये कुछ मुख्य रूप से हमारे वेब ब्राउज़र है दोस्तों, जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। आप इनको आप देख लेना एक बार, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ गए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों वेब 1.0, 2.0 और 3.0। अब देखिए इसमें पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये थ्योरी। देखिए निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोग की कौन सी विशेषता है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। और इसमें ये पूछा हुआ कि वेब 2.0 का की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर 2 है दोस्तों। 2 में क्या है, वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचनाओं का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित है। देखिए मैं अब ये जो वेब 2.0 है ना, इसके ज़रिए क्या है कि ऑनलाइन लोग आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये मतलब है। और अब हम इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वेब 1.0, 2.0, 3.0। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1.0, इट इज़ द रीडेबल पैरा ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब विद द फ्लैट डेटा। वेब 1.0 के अंदर क्या होता था दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको केवल हम देख सकते थे, केवल रीड कर सकते थे, इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर हमने कोई मैसेज पढ़ा है तो वो केवल पढ़ सकते थे, उसका जवाब हम उसमें नहीं दे सकते थे। तो ये था वेब 1.0, केवल और केवल इंफॉर्मेशन पढ़ने के काम आता था, उसमें हम फीडबैक नहीं दे सकते थे, पोस्ट का रिव्यू नहीं कर सकते थे, कॉमेंट नहीं कर सकते थे और फीडबैक नहीं दे सकते थे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आया वेब 2.0 आया, इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, राइटेबल हुआ, इसके अंदर हम राइट कर सकते थे, अगर हमारे पास कुछ चीज़ आई है तो उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में अगर हमें किसी चीज़ किसी की बात अच्छी लगी या बुरी लगी तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के ज़रिए, विकी हो गया, फ्लिकर हो गया। और इसका सबसे बढ़िया अच्छा उदाहरण फेसबुक भी आप देख सकते हैं दोस्तों, फेसबुक पे हमारे पास मैसेज आता है तो हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं, कोई फोटो आई है, किसी की वीडियो आई है तो उस पर हम अपने कमेंट जाहिर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों वेब 2.0 के अंदर। और अब बात आते हैं दोस्तों वेब 3.0, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक मशीन टू मशीन इंट्रैक्शन हो गया इसके अंदर। ये देखिए इसका मैं मतलब बताता हूँ, इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए हम किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने देखा होगा चैट बॉक्स बना हुआ होता है, एक कॉर्नर पे चैट बॉक्स बना हुआ होता है, जब भी हम उसमें हाय लिखते हैं तो वहाँ से हमें रिप्लाई आता है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से। वो क्या है कि मशीन लर्निंग होती है, वहाँ पे ह्यूमन और मशीन दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इसके अंदर एआई यूज होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज होता है इसके अंदर, और इसके अंदर वही है दोस्तों, ह्यूमन और इंटेलिजेंसी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसके अंदर ये यानी कि जो वेब 3.0 है ये मॉडरेट होके आया है वेब 2.0 का वर्जन, ठीक है। और वही है जैसे मान के चलिए हम फ़ोन मिलाते हैं, कस्टमर केयर में फ़ोन मिलाते हैं तो वो कहते हैं हिंदी में सुनने के लिए एक दबाइए, इंग्लिश में सुनने के लिए दो दबाइए, ठीक है, इस तरह से आता। तो वो भी क्या है दोस्तों, मशीन टू मशीन लर्निंग है, मशीन टू ह्यूमन लर्निंग है। तो इस तरह से वेब 3.0 के अंदर काम होता है। और इससे रिलेटेड आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात करते हैं, इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
इसी में क्वेश्चन देखते हैं, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 2020 में जो क्वेश्चन आए ना, आप देखना कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। ये जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो बी इसका आंसर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है। प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का एक सेट होता है, जिसके जरिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर चलता है। देखिए, कंप्यूटर को अगर हम कुछ भी कहेंगे, बोल के कहेंगे, तो वो नहीं चलेगा। उसके अंदर हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा। और जैसे मान के चलिए हम गूगल में जाके टाइप करते व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये टाइप करते, हमने तो इंग्लिश में टाइप किया, लेकिन वो जो समझता है वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए उसको समझने की कोशिश करता है। कंप्यूटर हो चाहे इंटरनेट हो, वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। और इसके अंदर आते हैं दोस्तों, नंबर एक पे मशीन भाषा आती है, मशीन लैंग्वेज आती है। इस लैंग्वेज को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। मनुष्य के लिए इसे समझ पाना और इसे देख पाना असंभव है दोस्तों, क्योंकि जैसे हमने बात की थी पहले, बाइनरी डिजिट की बात की थी, डेसिमल नंबर की बात की थी, 10 के अंदर, ऑक्टल के अंदर बात की थी, तो वो लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लैंग्वेज कंप्यूटर बिल्कुल आसानी से समझ लेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, असेंबल भाषा की बात करते हैं। असेंबल भाषा एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर नोमिनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, और इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का उपयोग होता है, किंतु यह अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग होती है। इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, असेंबलर का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। यह मनुष्य द्वारा समझने में बहुत आसान होती है। इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग किया जाता है, बाद में कंपाइलर का उपयोग कर मशीनी भाषा में इसको बदला जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है दोस्तों, इसको हम बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये भाषा इंग्लिश वर्ड्स के अंदर लिखी हुई होती है, लेकिन जब हमें इसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंपाइलर का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टॉप मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं। जावा स्क्रिप्ट है दोस्तों नंबर एक पे, फिर है दोस्तों पाइथन। इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों 2020 के अंदर, इसमें से क्वेश्चन आया है। फिर है जावा है, सी प्लस प्लस है, स्विफ्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल है। एसक्यूएल ये हमारी लेटेस्ट भाषा दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आया है। अभी जो हमारा 2020 का क्वेश्चन है, पेपर है, उसमें आया है ये क्वेश्चन। और ये काफ़ी लैंग्वेज है दोस्तों, आप इन सभी को देख लेना। वैसे अगर बात करें तो बहुत सारी हमारी लैंग्वेज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो हमारे पॉपुलर जो लैंग्वेज है वो ये है, आप देख लेना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे PHP हो गया, पर्ल हो गया, रस्ट हो गया, CS हो गया, फ्लिक्सर हो गया, PHP हो गया, HTML हो गया। और इसमें एक, हाँ, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट मैसेंजर ऐप और चैट ऐप की बात करते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। देखिए, ये दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, कौन सा इंस्टेंट यानी कि जल्दी से उसमें हम चैट कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर है 4, ABC। ABC इन्होंने आंसर दिया है, ABC। ये तीनों के तीनों है दोस्तों, व्हाट्सअप, गूगल टॉक, वाइबर, ये तीनों के तीनों में हम जल्दी चैट और मैसेजिंग कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर कुछ ये दिए हुए चैट मैसेजिंग एप्लीकेशन दिए हुए, जैसे बैंड हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक मैसेंजर, किक हो गया, स्लैक हो गया, स्काइप हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम, वाइबर, व्हाट्सअप, और भी आप यूज़ करते होंगे अपने लाइफ के अंदर, जैसे हाइक हो गया, तो उन सभी को आप याद रख लेना दोस्तों, हो सकता है उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर डी है दोस्तों, फायरफॉक्स, इन्होंने आंसर दिया है। फायरफॉक्स अभी हम पढ़ के आए हैं। फायरफॉक्स क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है दोस्तों। और ये क्या है, ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक ओएस है, ये 2001 के अंदर आया था और एप्पल द्वारा बनाया गया था यहाँ पे। और आईओएस जो है ये भी एप्पल द्वारा बनाया गया था, 2007 के अंदर आया था। उसके बाद में लीजा ओएस है, ये भी एप्पल द्वारा है। और क्रोम ओएस है, ये दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़े अलग अलग करके लिखे हुए हैं। क्रोम ओएस है दोस्तों, ये गूगल द्वारा बनाया गया था। और एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी गूगल के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। और ये मोबाइल के अंदर यूज़ होता है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और जो हमारे स्मार्ट टीवी है उनके अंदर यूज होता है। एमएस डॉस, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। फिर विंडोज़ है, विंडो को हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी के द्वारा बनाया गया था, 1999 के अंदर आया था। उसके बाद में सिम्बियन है दोस्तों, ये सिम्बियन नोकिया फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पहले के फ़ोनों में। और नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला, सोनी, इरेक्सन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये आप सभी देख लेना दोस्तों, ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इनको देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ज़्यादा डीपली इनमें से नहीं पूछा जाता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, कौन सी कंपनी लेके आई थी, ये कहाँ पे यूज होता, ऐसा नहीं पूछा जाता। बस वो ऑप्शन देंगे भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ऐसे पूछेंगे वो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, ये हमारा 24/9/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। पाइथन एक है, पाइथन क्या है ये हमें बताना है। अभी हम करके आए ना, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये था हमारा पाइथन। पाइथन क्या है दोस्तों? ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इन्होंने ये पूछा हुआ है कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और ये पता नहीं क्या है, स्क्रैक है, क्या है। अब देखिए, ये हमें अभी पढ़ के आए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आएगा, केवल ए इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद में और मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे देख के आपको आसानी से ब्लू हो जाएगा कि हम कर सकते हैं यूजी सी नेट जी आर आर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों इन्होंने। फेसबुक, फेसबुक हम सभी को पता है कि चैटिंग ऐप है और ये सोशल मीडिया की एक ऐप है, ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और दोस्तों हमने ना अभी जैसे 2012 से लेके और 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आईसीटी के आए हैं वो अलग कर रखे, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं 2012 से लेके 2020 तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और जीआरएफ क्लियर हो सकता है। और दिखाता हूँ दोस्तों, और भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो आए हैं 2020 के अंदर, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। और अगर आप ये देखिए दोस्तों, ये आया था, नीचे दो कथन दिए गए, ये क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कौन सा है पहले। ये देखिए 9/10/2020 को आया था ये, और ये क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सर दो कथन है, सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के रूप में भी जाना जाता है। अब ये देखिए, पहले ये देखिए, सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है? नहीं दोस्तों, सर्च इंजन हमारे अलग चीज़ होती है। सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, वो वेब ब्राउजर नहीं है। सर्च इंजन एक अलग चीज़ है, वेब ब्राउजर एक अलग चीज़ है। वेब ब्राउजर के अंदर काफ़ी सर्च इंजन हो सकते हैं लेकिन एक सर्च इंजन के अंदर वेब ब्राउजर नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। तो जो कथन एक है वो हमारा गलत हो जाएगा। नंबर दो पे बात करते हैं दोस्तों, ये एक वैध आईपी एड्रेस का उदाहरण है। इन्होंने पूछा हुआ कि क्या ये एक आईपी एड्रेस सही है? तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस सही नहीं है क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस है 0 से 255 के अंदर उनकी डिजिट होती है। और ये देखिए, ये जो डिजिट है 365 डिजिट यहाँ पे आ रही है। तो ये कथन एक और दो, दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। और ये आईपी एड्रेस के बारे में हमने वीडियो बना रखी है दोस्तों, पीछे की यहाँ पे वीडियो देख लेना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे कोई क्वेश्चन है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया हमारा, नीचे दो कथन दिए गए,
इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई गलत चीज़ नहीं है इसके अंदर, कथन एक है। इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है। आज के टाइम में इंटरनेट पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो कथन एक है वो तो राइट हो जाएगा। कथन दो की बात करते हैं, HTML एक अधूरा कोड पैकेज है जो प्रयोक्ता द्वारा वेब पेज बनाना संभव बनाता है। ये HTML एक अधूरा कोड पैकेज नहीं है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कथन एक ये तो राइट हो जाएगा और कथन दो जो है गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों, जो यूजर है, जो ह्यूमन है और कंप्यूटर है, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप पहले थ्योरी करते हैं और थ्योरी करने के बाद में क्वेश्चन देखते हैं, भाई 2012 से लेके 20 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ऐसे करना दोस्तों, आपका नेट JRF अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, अभी हम करके आए ना वेब 2.0 करके आए थे, वेब 1.0, 2.0, 3.0, उसी में से क्वेश्चन आ गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए वेब 2.0, 2.0 के अंदर हमने क्या बात की थी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम चैटिंग कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ब्लॉग और ट्विटर। ट्विटर पे हम रिप्लाई दे सकते हैं ना, किसी की फोटो देखी हमने अच्छी लगी, उसका ट्वीट अच्छा लगा था, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या है, अपना गूगल और याहू, ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, सर्च इंजन है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बात करते हैं विंडो 8 और iOS, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो C++ और जावा, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार कितने आसान और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आप पहले क्वेश्चन सॉरी पहले थ्योरी करते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं तो। और दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारी पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी ऐप NimizNet डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, 2012 से लेके 2020 तक क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि रिसर्च के क्वेश्चन अलग, ICT के अलग और कम्युनिकेशन के अलग, सभी यूनिट के आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये जो फाइल है ना 18 पेज है, ये केवल और केवल 2020 के क्वेश्चन है, इसके अलावा हमने 2012 से लेके 2019 तक भी फाइल बनाई हुई है, तो वो हम क्वेश्चन आगे की वीडियोज में आपको करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए NimizNet, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।